पर अपने को ओवरटेक करने आई है। तो अभी अपन लोग जो आए थे कोयम्बटूर से, तो वो आए थे ये रूट से, और अभी अपन लोग ने रूट चेंज कर दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अभी भी कि हम जंक्शन तक क्यों गए। तो ये ट्रेन अपने को ओवरटेक नहीं करी है, अपन लोग ही इनको ओवरटेक कर रहे हैं। बेडिंग लगाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो अलग ही क्लाइमेट है। साउथ में गर्म हो रहा था, यहाँ तो अभी ठंडी लग रही है। तो यार खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, आधा तो प्लेटफॉर्म पे है और आधा प्लेटफॉर्म के नीचे है। हेलो एवरीवन, कोयम्बटूर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी जर्नी होगी वो होगी बेंगलुरु से लेके LTT तक, पूरा आपको जर्नी दिखाएंगे। पार्ट वन में थोड़ा लंबा हो गया था, मैं जानता हूँ कि मुझे वो दिखाना भी ज़रूरी था। अब पार्ट टू में अपन लोग कंटिन्यू करेंगे, रात का डिनर वगैरह भी दिखाएंगे अभी, और उसके बाद यहाँ से बेंगलुरु से लेके मुंबई तक की जो रूट है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू कर दें। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बेंगलुरु कैंट क्रॉस किया और बस उसके थोड़ा ही आगे आए हैं। अब अपना जो रूट होने वाला है वो हिंदूपुर होके गुंतकल क्रॉस करके फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे सोलापुर रास्ते से पुणे होते हुए मुंबई LTT पहुंचेंगे। एंड के बाद में थोड़ा आगे आके हम लोग कोई तो एक स्टेशन पर रुके और यहाँ पर अपने को ओवरटेक करने आई है 287। ओके, ये जा रही है कोची वाली। अभी फ़िलहाल 10 मिनट चेक किया तो याद आया अभी। तो ये ट्रेन अपने को ओवरटेक नहीं करी है, अपन लोग ही इनको ओवरटेक कर रहे हैं। आके वो भी खड़ी हो गई है बाजू में, आई थिंक उसका हॉल्ट होगा यहाँ पर, मुझे पता नहीं है अभी एग्जैक्टली, पर अपनी ट्रेन अब आगे निकल रही है। रोयापुरम का WAP 7। तो अभी अपन लोग जो आए थे कोयम्बटूर से, तो वो आए थे ये रूट से, और अभी अपन लोग ने रूट चेंज कर दिया। तो इसके लिए अपन लोग यहाँ पर बेंगलुरु तक पहुँच के रिवर्सल किए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अभी भी कि हम जंक्शन तक क्यों गए। यहाँ से अपना ये रूट चेंज है, वहाँ से कोई तो एक ट्रेन आ रही है अभी, पता नहीं कौन सी है, और यहाँ पर अपना रूट बदल गया। ट्रेनें इतनी पूरी रफ्तार में चलती रहती है, ऊपर से शाम के टाइम पर थोड़ी ठंडी हवा भी आती है, उसके अंदर अच्छा लगता है सब। अगर चाय मिल जाए तो चाय की चुस्कियाँ मारते हुए यहीं खड़े रहे थे। चलो भाई, अब तो चाय भी मिल गई है शाम के टाइम की, ऐसी शाम हो, ऐसी दौड़ती हुई ट्रेन हो और ये चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है यार। तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आएगा तो एक लाइक ठोक देना नीचे, लाइक नहीं कर देना प्रॉब्लम ही है, लाइक नहीं कर देना। Thank you.
कोयम्बटूर एक्सप्रेस क्रॉसिंग कोयम्बटूर एक्सप्रेस। आप लोगों ने बोला, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं ये क्या तुम अकेले कैसे घूम लेते हो, फैमिली के साथ कैसे। तुम अकेले घूमते हो, फैमिली के साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हारी फैमिली अलाउ कैसे करती है। मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं फैमिली के साथ घूमता हूँ तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, ना मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, और जब मुझे वीडियो बनाना होता है तब मैं अकेले घूमता हूँ, अकेले आता हूँ। तो आप लोगों से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब फैमिली के साथ घूम के आ गया, क्योंकि उस वक्त मैं ब्लॉग नहीं करता, उस वक्त मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। आप लोगों ने एक आधे रील में मेरे फैमिली को देखा होगा, बट उसके अलावा कभी नहीं। तो आप लोगों को नहीं पता चलता है कि मैं कब फैमिली के साथ घूम के आ भी गया। उस वक्त मैं बिल्कुल वीडियो कुछ नहीं बनाता हूँ, बस फैमिली के साथ घूमें अपना पूरा टाइम स्पेंड करें। आइए आप लोगों को कोयम्बटूर एक्सप्रेस का वॉशरूम भी दिखा देते हैं, लगे फटाफट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह है, पानी भी यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा मिरर थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है यहाँ पे, बट ये आई थिंक हो जाएगा साफ। और उसके अलावा फिर वॉशरूम की बात करो तो काफ़ी क्लीन वॉशरूम है, ज़रा भी गंदा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर देखो पानी वगैरह भी नहीं, एकदम सूखा सूखा है, तो ये एक अच्छा लगता है कि एकदम साफ़ सुथरा वॉशरूम है। तो अभी अपन लोग पहुंच गए अपने अगले स्टेशन हिंदूपुर पे। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करो तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, और ये आता है आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुंची है 1 घंटा 1 मिनट डिले। तो ये कुछ इस तरीके का स्टेशन है, कोई छत नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी में बंदा यहाँ पर पक जाएगा, सेक जाएगा पूरा। यहाँ पर पीछे जनरल है, अभी तो अपनी ट्रेन रिवर्स चल रही, पहले तो आगे लोको था। चलिए चलते हैं अंदर, छोटे छोटे स्टेशन है, अभी 2-3 स्टेशन ऐसे छोटे छोटे आएंगे, जितने हो सकेगा दिखाऊंगा, बाकी मैं स्किप कर दूंगा मैं। चलो वहाँ पर ग्रीन सिग्नल भी दिखा दिए गार्ड साहब ने, और ट्रेन भी अपनी चालू हो गई है। तो वही हिंदूपुर से अपना डिपार्चर हो चुका है, वहाँ पर ग्रीन लाइट दिख रही चमकती है। तो 580 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन धर्मावरम जंक्शन पे। यहाँ पर हम पहुँचे हैं 13 मिनट देरी से, तो बाकी का जो 1.5 घंटा देरी से चल रहे थे अब वो पूरा रास्ता कवर हो चुका है। अभी यहाँ पर अभी हम लोग हैं, तो इस वक्त अभी हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये धर्मावरम जंक्शन जो आता है वो आता है अनंतपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, और बस इतना ही। तो ये कुछ इस तरीके का स्टेशन है, ये भी देख लो आप लोग, बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लेके यहाँ तक तो क्रिकेट मैच खेल सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही है ना, बड़ा प्लेटफॉर्म है यार। सभी अपन लोग गुंतकल जंक्शन पहुँचने वाले हैं, और इसके पहले अनंतपुर क्रॉस हुआ, बट वो मैंने नहीं कैप्चर किया, बिकॉज हर एक स्टेशन कैप्चर करेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी फिर से ये वीडियो भी। तो अनंतपुर क्रॉस हुआ, अभी गुंतकल बस थोड़ी देर में आने वाला है, जहाँ पर मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया IRCTC के साथ में, और लेट्स सी उसके अंदर वेज, मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है, देखते हैं क्या क्या आता है वेज थाली के अंदर। तो वक्त से 1/2 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन गुंतकल जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा अराइवल लगभग 24 मिनट डिले हुआ है, पता नहीं ट्रेन बार बार लेट भी हो रही है, बट ठीक है वो अभी आधा घंटा तो आधा घंटा। अभी यहाँ से मैंने खाना ऑर्डर किया, अरे ये देखो, पहले तो ये देख लो कि हमारा ट्रेन का स्टेशन कैसा है, देखो
स्टेशन के हैं। अब अपना कोच ये रहा, यहाँ से लोगों को उतरना है तो लोगों को कितनी मुश्किल आ रही है। बट ये लोग यार वहाँ से भी उतर सकते थे, लोग वहाँ से क्यों नहीं उतर रहे समझ में नहीं आ रहा, यहीं से उतर रहे। देखो बट इस तरीके का कुछ स्टेशन है, इस तरीके का बनाया हुआ है। तो इसको गुंतकल को जंक्शन इसके लिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से चार लाइन निकलती है, एक तो बैंगलोर वाली लाइन जिससे मैं हम लोग आ रहे हैं, एक यहाँ से निकलती है चेन्नई के लिए, एक विजयवाड़ा के लिए निकलती है, और एक लाइन निकलती है यहाँ से गोवा वास्को डा गामा की तरफ। तो यहाँ पर टोटल चार लाइन निकलती है, इसके लिए थोड़ा बड़ा जंक्शन भी पड़ जाता है। प्लस यहाँ पर यह आता है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पर अपना खाने का पहले देखते हैं कि अपन जब खाना ऑर्डर किए तो खाना कहाँ है, आया नहीं आया पता नहीं है, कुछ कॉल भी नहीं आया अभी तक। सीट नंबर 42 हाँ इधर है। अमाउंट पेड होगा सर? हाँ अमाउंट ऑलरेडी पेड है। थैंक यू सर। वेलकम सर। सो ये रहा अपना आज का खाना। सो आधे घंटे तक खड़े रहने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन गुंतकल जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। 5 मिनट का हॉल्ट था, आधा घंटा रुक गई ट्रेन। अभी ट्रेन स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा स्टेशन है, सिटिंग के लिए भी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा भी है, आई एम श्योर बाहर से भी अच्छा ही हो गया है, दिखता होगा। सो दोस्तों ये है अपना आज का खाना। सो यहाँ पर ये पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पर एक मिक्स वेजिटेबल है, उसके अलावा राइस, चपाती, दाल और ये अचार दिया है, और ये रसगुल्ला। इसकी हालत देखो टूट गया है पूरा। सो ये और ये एक दही है। सो ये थाली मुझे पड़ी है 200 रुपये में। देखते हैं अभी खाने के बाद कि टेस्ट कैसा है, खाने के बाद देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, वर्थ है या नहीं 200 रुपये देना। ठीक है, जो हिसाब से सर्व किया है लग तो नहीं रहा कि खाना के टेस्ट अच्छा होगा, बट फिर भी चलो मैं पूरा ख़त्म करता हूँ उसके बाद में मिलता हूँ। तो अपन लोग अभी पहुँचे हैं अडोनी पे, यहाँ पर अपना 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पर अपना पहुँचे हैं 53 मिनट्स देरी से। मैं एक्चुअली रायचूर तक कंप्लीट करने वाला था ये ब्लॉग, लेकिन अभी मुझे यहीं पर ही बंद करना पड़ेगा क्योंकि 11:30 बज गया, मुझे नींद आ रही है। तो प्लेटफॉर्म पे अंधेरा है इसलिए मैं प्लेटफॉर्म से शूट नहीं कर रहा हूँ, यहीं से थोड़ा लाइट के बीच में खड़े रह के कर रहा हूँ। अभी जाता हूँ अंदर, बेडिंग वगैरह भी करनी है तो बेडिंग वगैरह करता हूँ और जाके सीधा अभी सो जाता हूँ। तो चलिए अभी सब लोग सो गए, कोच के अंदर सभी लोग सो चुके हैं, मैं अकेला जाग रहा हूँ, तो मैं भी अभी सो जाता हूँ। अभी फ़िलहाल बेडिंग वगैरह लगा रहा हूँ, ये बेडिंग लगाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर और अभी हम लोग इस वक्त है कुर्दोवारी पे, जहां पर हमारा अराइवल हुआ है आधा घंटा देरी से। अब यहां पर अभी अपन लोग फ्रेश व्रेश तो हो गए हैं, सुबह आँख खुली नहीं, आज सोलापुर में उठना था बट आँख ही नहीं खुली, ठंडी से मस्त नींद आ रही थी। और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो अलग ही क्लाइमेट है, साउथ में गर्म हो रहा था, यहाँ तो अभी ठंडी लग रही है। अगर होता जैकेट तो मैं पहन लेता, मेरे पास जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी ये देखो यार खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, आधा तो प्लेटफॉर्म पे है और आधा प्लेटफॉर्म के नीचे है यहाँ पे। और बाकी बस अभी 5 मिनट का हॉल्ट है अपने लोग का, बस निकल जाएंगे यहाँ से भी फटाफट जल्दी से। सबनी गाड़ी अभी कुर्दोवाड़ी से निकल चुकी है और अभी जो अगला स्टेशन है वो दौन जंक्शन आएगा, फिर उसके बाद आएगा पुणे, पुणे के बाद फिर अपना मुंबई एंटर हो जाएगी। तो ट्रेन हमारी लगभग पुणे में पूरी खाली हो जाएगी। बस अभी चाय का इंतज़ार है, सुबह चाय मिल जाएगी तो अभी मज़ा आ जाएगा, थोड़ी सी और नींद खुल जाएगी, थोड़ा और एक्टिव हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर ठंडी बहुत है यार, पहले तो गेट पे खड़े थे तो साउथ में तो गर्म होता था बट यहाँ पर ठंडी लग रही है बात करें तो। और यहाँ पर अपना महाराष्ट्र को देख के इतनी खुशी हो रही है कि अपना घर वापस आ रहा है यार अपन, यार खेत वेत देख के इतना मज़ा आ जाता है। चाय दे दो। चलो चाय भी मिल गई अपने लोग को, गर्मा गर्म चाय है।
करेंगे भीमा नदी को, जो कि डॉन जंक्शन से थोड़ा पहले ही आ जाता है। यहाँ पर एक और ब्रिज बनाने की तैयारी में लगता है, या तो रोड बन रहा पता नहीं क्या है। बारह सौ पचास किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे रूट के अगले स्टेशन दौंद जंक्शन पे। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ पर एकदम ऑन टाइम। ये रहा दौंद जंक्शन, यहाँ अपनी ट्रेन, और ये रहा पूरा स्टेशन। अपने 29 स्टेशनों में से ये 25वां स्टेशन क्रॉस हो गया। हमारी ट्रेन निकल चुकी है दौंद जंक्शन से, अब बचे से 4, पूना, उसके बाद कल्याण थाने और फिर LTT। लीजिए 40 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं हमारे रूट के अगले स्टेशन पुणे जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा अराइवल था 10:15 का, और हम पहुँचे हैं 10:57, ऑलमोस्ट 11 बजने वाला था। यहाँ पर अभी लगभग हमारी ट्रेन पूरी खाली हो जाएगी, काफ़ी लोग यहाँ पर उतरने वाले हैं, और यहाँ से अपना रूट अभी आगे खाली जाएगा पूरा। अभी यार मैंने सुबह से उठा हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो नाश्ता करना था, बट यहाँ पर पुणे में इधर सर ताज़ा ताज़ा गर्म बनता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, नाश्ता कर ढूंढता हूँ यार। चलिए वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, अब लेट आई है तो पता नहीं, लेकिन खड़ी रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर उतरने वाले हैं। अपने को मिल गया वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव बेच रहा था 30 रुपये के 2 वड़ा पाव। चलिए इसको ही खाते, मज़ा आ जाएगा यार। अब जब तक अपन लोग अपना वड़ा पाव खाते हैं, यहाँ पर आप लोग डिपार्चर देखिए, पुणे जंक्शन से अपना डिपार्चर हो रहा है। 5 मिनट यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी थी, और अभी अपन लोग चल रहे हैं लगभग 50 मिनट देरी से। ये अपना बन गया इंडियन बर्गर, यानी कि वड़ा पाव। तो खाने का मिर्ची के साथ अभी पुणे के बाद अभी अपना जो अगला स्टेशन है वो सीधा कल्याण आएगा, कल्याण जंक्शन, और उसके लिए अभी लगभग लगेंगे 2 घंटे के आसपास, बिकॉज अभी अपना घाट सेक्शन आने वाला है लोनावला के, हाँ लोनावला के बाद में, लोनावला से लेके कर्जत के बीच में, तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अभी घाट सेक्शन देखते हैं।
वैसे इस रूट की खूबसूरती ना मेन तो मानसून में पता चलती है, जब ये सब हरा भरा होता है। अभी तो कैसे पत्ते वत्ते वगैरह सब झड़ गए यहाँ पे, बट मेन खूबसूरती जहाँ वाटरफॉल वगैरह भी बहुत सारे, ढेर सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। तो इसका अच्छी मजा है ना मानसून में आता है। तो अगर आप आपको मानसून में देखना है तो मेरे वीडियो भी है, सियार राजधानी में देखो, या फिर और भी दूसरे वीडियो जिसके अंदर हमें पुणे में गया था विस्टा डोम में, वो वाला देख लीजिए, उसमें भी दिख जाएगा आपको। अपन लोग पहाड़ उतर के नीचे आ गए, तो वो जो घाट सेक्शन जो पीछे दिख रहा होगा अगर आप लोगों को, तो वो पूरा घाट पार करके अपन लोग अभी ज़मीन पे आ गए नीचे। हाँ, ये अपन लोग कौन सा स्टेशन है, शायद भीवपुरी है जो अपन स्किप कर रहे हैं। तो ये जो अपना अगला स्टेशन है सीधा कल्याणी आएगा। हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। अब जो अगला स्टेशन है अपना वो है थाने, मेरा फ़ोन है कैमरा अंदर ही ले लेता हूँ। तो अभी अगला स्टेशन है वो है थाने। अभी थाना तो मैं स्किप कर दूँगा, मैं थाना दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बाद सीधा आएगा फिर LTD। मुझे यहाँ पर सब पैकिंग वैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। सामने यहाँ पर आइए, गोरखपुर एक्सप्रेस आई है जो कि गोरखपुर से LTD की भी चलती है, तो वो गोरखपुर से LTD की तरफ आई है। अपना डिपार्चर हो रहा है और उसका अराइवल हो रहा है कल्याण जंक्शन से। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मुझे उतरते साथ ही सीधा भागना है, बिकॉज ट्रेन लेट हो गई है और मेरे को भूख लगी, बाहर निकलते सीधा पहले खाना खाना है यार। तो LTD उतरते ही मैं अभी सीधा खाना खाने भागने वाला हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये दो पार्ट में वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बस अगले वीडियो का इंतज़ार करना है। तो और इसके अलावा ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को जवाब देने की। तो चलिए थोड़ी देर में LTD आने वाला है, मैं उतरता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।